क्या आप लोग गुजरे देना चाहते हो? और मैंने आग्रह नहीं निकाला, राजस्थान में कितने आदिवासी विधायक है मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमारे आदिवासी राजस्थान में जितने आदिवासी विधायक है सारे के सारे, उस सबसे नहीं बोलूंगा जो मैं बोलना चाहता हूँ, आप समझ जाना कि क्या है, लेकिन हमारे बीच हमारे आदिवासी समाज के पप्पू से भाई बहन दो विधायक यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ के कलेक्टर को मैं कहना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए और विधायकों के साथ हाथ बांध कर खड़े हो जाइए। आपकी एकता कितनी है आदिवासी समाज जानता है। साथियों, बातें बहुत सारी है, भड़ास भी है, गुस्सा भी है। रात से 9 घंटे से सफर में चल रहा था, लेकिन मुझे जरा भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि 9 घंटे से सफर करके आपके बीच आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा कि 10 मिनट पहले ही आया हूँ, क्योंकि ने जो चिंगारी जो वैचारिक क्रांति हम लोगों के बीच में जलाई है ना, खाली पता चलता है हम लोग दौड़ के चले आते हैं। साथियों, हम लोग मंच के शौकीन नहीं है, हम लोगों का मंच पे नाम नहीं लेते हैं, तब भी हम लोग को दादा के समर्थन में खड़े होने आए हैं। और अगर मंच से अगर ऐलान हो जाए कि भवक दादा के लिए जान देने वाले कितने लोग हैं, तो सबसे पहले मैं मनोज भाग उछाऊंगा, क्योंकि आदिवासी समाज मरने से नहीं डरता है। शायद दीदी के हाथ का इशारा मैं समझ रहा हूँ। साथियों, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, चारों प्रदेश मिलके एक बनेगा हिल प्रदेश। और हम आप सब लोग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे सम्मान्य वरिष्ठ साथी, जिस दिन भी आवश्यकता लगेगी कुछ नहीं बोलना, फोन मत लगाना, मुझे खाली मैसेज डाल देना व्हाट्सएप ग्रुप में, हम लोग आपके साथ उपस्थित हो जाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। छोटा सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार, जय आदिवासी। एक गीत, अरे गीत, अरे गालो, एक बार।